शालिनी, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपकी अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग देखेंगे कि जो कैरी वाला सब्स्ट्रक्शन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोरो सब्स्ट्रक्शन, ये बच्चों को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैंने आपको सब्स्ट्रक्शन, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सब कुछ पढ़ाया है। ऑड और इवन भी मैंने आपको पढ़ाया है, और यहाँ तक कि मैंने आपको कैरी वाला एडिशन सम्स भी बताया है, लेकिन उसमें हम लोग बोरो वाला सब्स्ट्रक्शन नहीं पढ़े थे, है ना, कैरी वाला सब्स्ट्रक्शन नहीं पढ़े थे। तो अब कैरी वाला सब्स्ट्रक्शन हम लोग बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे बताएंगे, चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। आपको मेरे हाथ में कुछ दिख रहा है क्या? ढेर सारी पेन्स हैं। तो मैं आज घर से ही सोच के आई थी कि मैं आपके साथ कोई गेम खेलूंगी, है ना, क्योंकि मुझे तो गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मस्ती करना बहुत पसंद है, खासतौर से छोटे छोटे बच्चों के साथ, है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, तब ना हम लोग गेम खेलेंगे। तो सबसे पहले डेट क्या है, व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे इज 17th अप्रैल 2023। ओके, व्हाट इज 17th अप्रैल 2023? एंड व्हाट वी हैव टू स्टडी? मैथमेटिक्स। ओके, मैथमेटिक्स, ठीक है, तो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक। अब मेरे पास था क्या, मेरे पास है 6 कुछ पेन्स है और कुछ पेंसिल्स, ये देखो 2 पेंसिल्स, सेम, है ना। तो अब मैं सोची हूँ कि कुछ ना कुछ ये पेंसिल्स क्या करूं, डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। तो पेंसिल्स तो 2 है, तो अगर मेरे पास टोटल कितना है, 6, तो अगर मेरे पास 6 है, है ना, और ये 2 मैं किसी को दे दूं, तो मेरे पास कितना बचेगा, कौन बताएगा, मेरे पास कितना बचा, 4। कैसे, मैंने क्या किया, टोटल 6 थे, इसमें से 2 निकाल लिया, है ना, तो 6 में से मैंने 2 माइनस कर दिया, तो मेरे पास 4 हो गए। अब मेरा मन कर रहा है कि एक और किसी को दे दूं, किसको दे दूं, किसको चाहिए, आपको चाहिए, ओके, तो आप ले लो ये। लेकिन अगर मैं ये आपको दे दूंगी तो फिर मेरे पास कितना बचेगा, पहले मेरे पास जब यहाँ पे हो गया तो 4 बचा, अब मैंने आपको एक दे दिया तो मेरे पास कितना हो गया, 3, है ना, 3 हो गए। अब मेरे पास पेंस, अब 3 इसमें 3 इसमें, है ना। तो अब मैं सोच रही हूँ कि ये तीनों भी किसी को दे ही देती हूँ, दे दूं क्या, दे देती हूँ, चलिए लीजिए, आप ले लीजिए, ठीक है, मैंने ये आपको दे दिया। अब मेरे पास यहाँ पे कितने हो गए, 3 थे और मैंने 3 दे दिए, तो कितना हो गया यहाँ पे, कौन बताएगा, कितना हो गया, 0, है ना, तो ये हो गया 0। 0 मतलब 1 भी नहीं, है ना, 0 मतलब अगर आपसे पूछेगा कोई कि 0 मतलब क्या होगा, तो आप ये नहीं बोलना कुछ भी नहीं, 0 मतलब होता है 1 भी नहीं, है ना। तो यहां से मैंने तो आपका टेस्ट भी ले लिया, जो मैंने आपको सब्स्ट्रक्शन पढ़ाया था, खेल खेल में हम लोग टेस्ट भी दे लिए, और हम लोग को पता चल गया कि हम लोग को सब्स्ट्रक्शन आता है, है ना। तो चलिए मैं आप लोग को एक नंबर देती हूँ, आप लोग मुझे थोड़ा सब्स्ट्रैक्ट करके बताइए तो कि वो कैसे आएगा। ओके, आपको क्या करना है, 14 माइनस 13, तो यहाँ पे कितना आएगा, कौन बताएगा, कितना आया, 1। ओके, वेरी गुड, 1, है ना, तो यहाँ पे कितना आ गया, हम लोग का 1 आंसर हो गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग करके दिखाएंगे। अगर मैं आपको दे दूं 68 माइनस 59, अब ये हमको करके कौन दिखाता है, हम देखते हैं, ठीक है, हम आपको टाइमिंग दे रहे हैं 5 तक, हम काउंट करेंगे और देखते हैं सबसे पहले हमको आंसर कौन बताता है, क्योंकि सब्स्ट्रैक्शन तो सबको आ गया ना। तो काउंटिंग स्टार्ट, 1 2 3, यस, क्या हुआ आपको, अच्छा 8 में से 9 नहीं जा रहा है, ओ नो, ये 8 में से 9 हम लोग कैसे माइनस करें, किसी को नहीं आ रहा, ओके, तो सभी लोग इधर देखिए, हम आपको बताते हैं कि कैसे आएगा। अब 8 में से 9 नहीं आ रहा है, अब समझो कि जब हम लोग के पास कुछ नहीं रहता है या फिर कम रहता है, तो हम लोग किससे मदद लेते हैं, सबसे पहले किससे, अपने पड़ोसी से। तो ये जाता है इसके पास, क्यों बोलता है, भाई सुनो ना यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। बोलता क्या हुआ भाई, मुझे बताओ। तो बोलता है, मेरे पास यार बहुत गड़बड़ हो गया, मुझे तुमसे कुछ चाहिए,
है ना। तो जब हम लोग किसी से कुछ मांगेंगे तो है ना थोड़ा इस तरीके से मांगे कि हम उतना ही मांगे जितना हमको मिल जाए, है ना। तो एट थोड़ा शर्माता भी रहता है ना किसी से कुछ मांगने में, थोड़ा सा क्या क्या सोचेगा, लेकिन फिर भी ये अपना समझ के चला जाता है और बोलता है भाई प्लीज मुझे एक दे दो, सिर्फ एक। तो ये बोलता है ठीक है ले जाओ, तो ये एक इसको दे देता है। अब जब ये एक इसको देता है तो एट इतना ज्यादा खुश होता है, इतना ज्यादा खुश होता है कि उसको बहुत ही ज्यादा संभाल के रखता है, क्योंकि हमें जो कोई भी कुछ देता है तो हमें एकदम संभाल के रखना चाहिए ना, क्योंकि वो तो हम पे भरोसा करके हमें प्यार से दिया है, तो हमें जो कुछ भी देगा हम तो उसको एकदम संभाल के रखेंगे ना। तो ये एट क्या करता है, इसको बोलता है कि चलो मैं अब मुझे वन तो मिल गया तो मैं इसको संभाल के रखूंगा, तो ये अपने बगल में इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, एट अपने बगल में वन रखता है, एट था और अपने बगल में वन रखता है, पहले तो ये एट था लेकिन जब इसको बोरो हो गया, एक मिल गया, तो ये क्या कर लिया, वन यहां से ले लिया। अब जब सिक्स ने इसको वन दे दिया था तो सिक्स यहाँ पर कितना हो गया, फाइव, है ना। अब हमने क्योंकि इससे बोरो किया है ना, एट ने क्या किया, इससे बोरो किया है, मांगा है, कैरी लिया है, तो यही हम लोग की टॉपिक है। हम लोग की टॉपिक क्या है, हम लोग की टॉपिक है बोरो सब्सट्रैक्शन, है ना। हम लोग की टॉपिक क्या है, बोरो सब्सट्रैक्शन, है ना। कितना मजा आ रहा है आज पढ़ने में, हम लोग तो एक एक चीज कर ले रहे हैं, है ना। तो हम लोग की टॉपिक है बोरो सब्सट्रैक्शन। अभी हमने क्या देखा कि एट ने सिक्स से वन बोरो किया था, ज्यादा खुश हो गया था कि उसको एकदम संभाल के रखा है ना। तो संभाल के रखा तो यहाँ पे 18 हो गया और ये 5 हो गया। अब तो ये अच्छे से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा ना। अब जब 18 में से 9 माइनस करेंगे, क्योंकि सब्सट्रैक्शन सबको आता है, तो 18 में से 9 गया तो कितना आया, 9। वेरी गुड, क्लैपिंग सबके लिए मैं करूंगी आज कि सबने सही बताया। 18 माइनस 9 इज इक्वल टू 9, है ना। और जब यहाँ पे अब तो 5 हो गया, अब 5 में से 5 गया तो कितना आया, 0। ओके वेरी गुड, 0 0 मतलब 0 मतलब एक भी नहीं, वेरी गुड, 0 मतलब एक भी नहीं। अब चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं किसको आता है, ठीक है। तो अगर ये मैंने आपको दे दिया, क्या दे दूं मैं आपको, 6, ओके 0 और 8, और नेक्स्ट दे दूं 5 0 9, ये कौन करके दिखाएगा, अब इसको कौन करके दिखाएगा, सभी लोग करके दिखाएंगे, लेकिन आपको कुछ पूछना है पूछिए। अब यहाँ पे 8 में से आपने बताया, मैंने बताया कि बोरो ले लेना है, पर यहाँ तो 0 ऐसे देगा, तो मैं आपको 0 की एक कहानी सुनाती हूँ। 0 ना बहुत ही अच्छा है, अगर उसके पास कुछ भी नहीं रहता ना फिर भी बोलता भाई मैं तुमको कहीं से इंतजाम करके दूंगा ही दूंगा, और इसके पास ये नहीं रहता तो ये अब अपने पड़ोसी के पास जाता है, ये गया अपनी पड़ोसी के पास। अब जब पड़ोसी के पास नहीं है और क्योंकि पड़ोसी हमारा बहुत ही अच्छा है, तो वो क्या करेगा, तुम रुक जाओ बस झट से मैं ले आता हूँ तुम्हारे लिए, तो ये जाएगा अपने पड़ोसी के पास, है ना, और अपने पड़ोसी से एक लेके आएगा। ये गया इसके पास, बोला भाई वेट वेट मैं आता हूँ, अब ये जाएगा अपने पड़ोसी के पास, है ना। तो यहां से इसको वन दे देगा, क्योंकि जब भी कुछ मिल रहा है तो ये लोग क्या कर रहे हैं, एकदम इतना ज्यादा खुश हो जा रहे हैं कि एकदम संभाल के रख रहे हैं, अपने बगल में बिठा के रख रहे हैं, है ना। तो ये क्या किया, सिक्स ने इसको वन दे दिया। अब सिक्स ने जब वन दे दिया तो सिक्स जब वन दे देगा तो कितना देगा यहाँ पे, 5। अब क्योंकि वन देगा तो ये तो संभाल के रखेगा ना, तो 0 कितना हो जाएगा, अपने बगल में रखेगा, तो 0 के बगल में अगर हमने वन रखा तो ये क्या हो गया, 10। अब ये जब इसके पास 10 हो जाएगा तो ये बोलेगा कि ठीक है भाई अब मेरे पास हो गया तुम्हें देने लायक, मैं तुम्हें देता हूँ। अब 10 क्या करेगा, जब इसको दे देगा, है ना, तो 10 के जब 10 1 दे देगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18, है ना, सबको समझ में आ गया। तो यहाँ पे बोरो लिया, 10 हो गया, तो 10 में से जब इसने 1 दे दिया 18 को, तो ये खुद 9 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, 18, है ना। अब ये 10 हो गया, जब 10 ने क्या किया, 1 8 को दे दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 18, और 10 खुद हो गया 9। अब जब 18 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 9, वेरी गुड 9, एंड अब यहाँ पे तो 9 हो गया, 9 में से जब 0 गया तो 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9, वेरी गुड, एंड 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एंड 0 मीन्स एक भी नहीं, नथिंग, ठीक है। तो सबको समझ में आया ना, बड़ा ही मजा आया, ये लोग पड़ोसी पड़ोसी खेल रहे थे, पड़ोसी पड़ोसी खेलते खेलते हम लोगों को क्या आ गया, बोरो सब्सट्रैक्शन, है ना, बोरो वाला सब्सट्रैक्शन हम लोग को आ गया। सबको समझ में आया, तो नोट डाउन योर होमवर्क, सिर्फ एक होमवर्क दूंगी और सभी लोग अच्छे से करके आएंगे, ठीक है। तो होमवर्क है आपका, होमवर्क क्या रहेगा,
फोर नाइन थ्री ओके माइनस थ्री ठीक माइनस थ्री सेवन फाइव ये आप सभी लोगों को करके आना है, दिस इज योर होमवर्क। तो सब लोग करके आएंगे ना, ओके वेरी गुड वेरी नाइस, बहुत अच्छे बच्चे हैं ठीक। तो इस तरीके से आप लोग ये बोरो सब्सट्रैक्शन भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं। अगर आपको मेरी पिछली वीडियोस चाहिए तो आप लोग मेरे वीडियोस में जाके देखिए, वहां पे मैंने हर एक चीज करवाया हुआ है, एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन डेसिमल ऑड इवन यहाँ तक कि मैंने शेप्स पैरामीटर ये सब कुछ पढ़ाया है। तो आप लोग अगर मेरी पिछली वीडियोस में देखेंगे तो मैंने आपको पढ़ाया है कि हम लोग कैरी वाला एडिशन कैसे करते हैं, और मैंने यहाँ पे आपको बता दिया बोरो वाला सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अगर मेरी ये स्टोरी मेरा ये तरीका आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।